नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण में पूर्व मंत्री पीजीआर शिंदे ने प्रेस मीट करते हुए सागर खंडे को जिताने की अपील की। तीसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक में गरजे पीएम मोदी। हुगली हत्याकांड पर कांग्रेस को खोला। सज्जल रेवण्णा अश्लील वीडियो मामले में सरकार का एसआईटी बनाने का फैसला। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कर्नाटक को सूखा राहत जारी करने में केंद्र के अन्याय के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मोदी लोगों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, पीएम पद की गरिमा को कर रहे हैं कम, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई तोड़ नहीं सकता, पहले चुनावी रोड शो में बोली केजरीवाल की भूमिका। समाचार विस्तार से। बसपा कल्याण तालुके के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पूर्व मंत्री पीजीआर शिंदे ने प्रेस मीट करते हुए मीडिया से बात की और कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सागर खंडे को जिताना है और इस बार बीदर जिले में कांग्रेस पार्टी का सांसद लाना है। इस प्रेस मीट में पूर्व एमएलसी विजय सिंह, मालावी नारायण राव, कांग्रेस नेता धनराज ताड़मपल्ली, नवरंग अजहर, अर्जुन कनक, नीलकंठ राठौड़, सैयद यसरब अली के अलावा अन्य नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर पीजीआर शिंदे, विजय सिंह और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। बसपा कल्याण से केबी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ನಾಯಕರು ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹೋದರಿ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೇ 7 ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಾಗರ್ ಖಂಡೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ 3 ಕಾಲ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸುರ್ಜಿವಾಲಾರವರು ನಾಳೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಸಹಿತ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋನಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮತದಾರರು ಇವ್ರನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. तीसरे चरण के मतदान के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेलगांव में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को भारत की उपलब्धियों पर शर्म आती है। हुगली हत्याकांड को लेकर भी पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। भारत की हर सफलता पर उन्हें शर्म आने लगी है। उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि प्रज्वल रेवण्णा के अश्लील वीडियो मामले में सरकार ने विशेष जांच दल बनाने का फैसला किया है। हासन जिले में अश्लील वीडियो क्लिप प्रसारित हो रही है, जिनमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। इसको लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष ने सरकार को पत्र लिखा था और एसआईटी बनाने की मांग की थी। यह फैसला उनके अनुरोध के जवाब में लिया गया है। प्रज्वल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं। वह कर्नाटक के पूर्व लोकस निर्माण विभाग मंत्री एच डी रेवण्णा के बेटे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी उनके चाचा हैं। वह हासन से फिर से चुनावी मैदान में हैं। यह सीट उन्होंने पिछले आम चुनाव के दौरान जीती थी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के साथ कई मंत्रियों और विधायकों ने रविवार को यहां धरना दिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सूखा राहत राशि जारी करने के राज्य के साथ अन्याय किया है। खालीपन और धोखे का प्रतीक पानी का बर्तन चोंबा हाथ में लिए हुए नेताओं ने केंद्र पर गंभीर सूखे का सामना करने के लिए पर्याप्त राहत जारी न करने कर्नाटक को धोखा देने का आरोप लगाया, जैसे कि पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया था। उन्होंने विधानसभा के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रतीकात्मक धरना दिया, जहां विधानमंडल और सचिवालय स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलकर और लोगों की भावनाएं भड़काकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम किया है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने झूठ की मार्केटिंग की है। वह अप्रासंगिक बातें कहकर लोगों की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की भावना को भड़का रहे हैं, उनका ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, हमने आरक्षण और मंगलसूत्र मुद्दों पर उनके भाषणों के संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा हम कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7, देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को गुजरात के वलसाड में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा क्या पीएम के पास देश और लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर पीएम एक मंच पर खड़े हैं तो उन्हें सच बोलना चाहिए और यह उनकी जिम्मेदारी है। एक बार फिर मंगलसूत्र पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने मंगलसूत्र के बहाने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। यादव ने प्रियंका गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रियंका की शादी हो गई है, इसके बावजूद वो मंगलसूत्र नहीं पहने। इसके साथ ही मोहन यादव ने कहा कि प्रियंका ने शादी के बाद सरनेम भी नहीं बदला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार 28 अप्रैल को कहा कि संघ परिवार ने कभी भी कुछ समूहों को दिए गए आरक्षण का विरोध नहीं किया। हैदराबाद में एक शैक्षणिक संस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि संघ की राय है कि जब तक जरूरत हो आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है, लेकिन कुछ लोग झूठे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। मोहन भागवत का यह बयान आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे वाक युद्ध के बीच आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख भागवत ने पिछले साल नागपुर में कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा था भेदभाव उद्देश्य होते हुए भी समाज में मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार शाम को पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार के समर्थन में पहला रोड शो किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल शेर है और कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। एक वाहन में सवार सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के कोंडली इलाके में मतदाताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन करती नजर आई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल बनवाए, मुफ्त बिजली मुहैया कराई और मोहल्ला क्लिनिक खोले। जैसे ही सुनीता केजरीवाल का काफिला संकरी गलियों से गुजरा, बड़ी संख्या में आप समर्थक दिल्ली के मुख्यमंत्री के कटआउट और नीले और पीले आम आदमी पार्टी के झंडे लेकर वहां इकट्ठा हो गए और जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे जैसे नारे लगाए। रोड शो के दौरान देशभक्ति के गाने भी बजाए गए। भाजपा ने एक बार फिर संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी। रविवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा कि संदेश खाली ममता बनर्जी की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख कर दे रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है? जहां रविन्द्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने किस तरह अराजकता फैला रखी है। मैं बंगाल के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता से अपील करता हूं कि आप सभी संदेश खारी पर ममता बनर्जी से जवाब मांगें। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद,
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे का कारण आम आदमी पार्टी से हुए गठबंधन को बताया है। लवली का कहना है आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाकर बनी थी, फिर उससे गठबंधन कैसे हो सकता है। अरविंद सिंह लवली इस्तीफा देते हुए लिखा, दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने का फैसला किया। अरविंद सिंह लवली को अगस्त 2023 में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका शनिवार को अपने पड़ोसी के घर में घुस गई और उनकी कार की खिड़कियों को तोड़ दिया। इस पूरे मामले का खुलासा सीसीटीवी से हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्कूल टीचर पारुल शर्मा सुबह 3 बजे हाथ में ईंट लेकर अपने पड़ोसी प्रिया गोयल के घर के बाहर पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। वह कार की विंड स्क्रीन पर ईंट फेंकती है और बैग से पत्थर निकालकर कार पर फेंकती है। इतना ही नहीं, वह खड़ी गाड़ी की सभी खिड़कियों को तोड़ने के लिए पत्थर का उपयोग करती है। पड़ोसी के परिवार द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि शर्मा कार पर अपना आक्रामक हमला जारी रखती है जबकि परिवार जाग जाता है और उसका सामना करता है। वीडियो में उसके साथ उसकी बुजुर्ग माँ भी है जो उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करती। स्कूल टीचर अपने पड़ोसियों को गालियां देना जारी रखती है और उन्हें अलग करते हुए जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों। बसपा कल्याण में पूर्व मंत्री पीजीआर शिंदे ने प्रेस मीट करते हुए सागर खंडे को जिताने की अपील की। तीसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक में गजे पीएम मोदी, हुबली हत्याकांड पर कांग्रेस ने खेला। सजवल रेवण्णा अश्लील वीडियो मामले में सरकार का एसआईटी बनाने का फैसला, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कर्नाटक को सूखा राहत जारी करने में केंद्र के अन्याय के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मोदी लोगों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, पीएम पद की गरिमा को कर रहे हैं कम, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई तोड़ नहीं सकता, पहले चुनावी रोड शो में बोली केजरीवाल की भूमिका। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।